हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पजल सॉल्वर। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम पजल सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है कैमरा स्मार्टफोन पजल। इस इमेज में हम देखेंगे हमारे पास कैमरा है, रेडियो है, टीवी है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है और इन सब के बीच में रिलेशंस हैं। सो दोस्तों, ये थोड़े डिफरेंट टाइप की पजल है। इसमें हम देखेंगे हमारे इक्वेशंस तो इंटरलिंक्ड हैं, प्लस हमारे आइटम्स भी इंटरलिंक्ड हैं। सो दोस्तों, ऐसे पजल को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे इक्वेशन को सबसे पहले कंसीडर करना पड़ता है जिनमें हमारे पास कम से कम आइटम प्रेजेंट हो, एज इन जिस इक्वेशन में हमारे पास कम से कम आइटम्स हो। जैसे कि इन सारे इक्वेशंस में हम देखेंगे सबसे शॉर्ट हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, जिसमें है टीवी इज इक्वल टू 3 रेडियो। सो दोस्तों, मैं हर जगह सबसे पहले इसी इक्वेशन को कंसीडर करूंगी और फिर आगे पजल सॉल्व करूंगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे हमारा सेकंड इक्वेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कैमरा भी है, हमारे पास टीवी भी है, रेडियो भी है और वॉच भी है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है, इसलिए पहले हम इस वाले इक्वेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम इक्वेशन 2 से शुरू करते हैं। हम इक्वेशन 2 में देखेंगे हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वल टू का साइन है, तो हम इसका सबसे पहले ये वाला फर्स्ट पोर्शन कंसीडर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास कैमरा की वैल्यू नहीं है, हमारे पास रेडियो की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास टीवी की वैल्यू है। टीवी इज इक्वल टू 3 रेडियो, तो उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे और कैमरा की वैल्यू निकाल देंगे विथ रेस्पेक्टिव ऑफ रेडियो। तो दोस्तों, हमारा सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व होता है जिसमें हमने एक कैमरा की वैल्यू निकाली है इस रेडियो के रेस्पेक्ट में। अब दोस्तों, हमने रेडियो के रेस्पेक्ट में इसलिए निकाली है क्योंकि हमारा जो फर्स्ट आइटम था उसकी भी वैल्यू हमारे पास रेडियो के रेस्पेक्ट में थी। हमने कैमरा की भी वैल्यू रेडियो के रेस्पेक्ट में निकाली है, सो दैट जब हम आगे इक्वेशन सॉल्व करें तो हमारे पास कम आइटम्स हों वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए, आइए हम इस वाले इक्वेशन का सेकेंड पोर्शन यूज करते हैं। हमारा सेकेंड पोर्शन है ये, जिसमें है टीवी इज इक्वल टू मोबाइल। टीवी इक्वल टू मोबाइल, अगर टीवी की वैल्यू 3 रेडियो थी तो मोबाइल की वैल्यू भी हो जाएगी 3 रेडियो। सो दोस्तों, दिस इज एंड ऑफ आर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के एंड से हमारे पास 3 वैल्यूज आती है, वो है टीवी इक्वल टू 3 रेडियो, कैमरा इक्वल टू 2 रेडियो एंड मोबाइल इक्वल टू 3 रेडियो। तो चलिए, आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे इक्वेशन थर्ड की तरफ। इक्वेशन थर्ड में हम देखेंगे हमारे पास है एक कैमरा, एक मोबाइल फोन और एक रेडियो। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी कैमरा की वैल्यू निकाल रखी है, मोबाइल फोन की वैल्यू भी निकाल रखी है, वो सब हम यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे हमारे पास रेडियो की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2। सो दोस्तों, इक्वेशन थर्ड से हमारे पास एक आइटम की वैल्यू आ गई है। अब अगर हमारे पास एक आइटम की वैल्यू है तो हम उस आइटम की वैल्यू को अगर इन इक्वेशंस में पुट करेंगे हमारे पास ऑलमोस्ट सारे आइटम्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए, आइए दोस्तों, फाइंडिंग आउट ऑल आइटम्स वैल्यू। टीवी इक्वल टू 3 रेडियो, अगर रेडियो 2 है तो टीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। अगर रेडियो की वैल्यू 2 है तो कैमरा की वैल्यू हमारी हो जाएगी, कैमरा इक्वल टू 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब हम रेडियो की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और मोबाइल की वैल्यू निकाल लेंगे, सो मोबाइल विल बी इक्वल टू 3 × 2 = 6। सो दोस्तों, यहाँ तक हमारे पास 4 आइटम्स की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज रेडियो इक्वल टू 2, टीवी इक्वल टू 6, कैमरा इक्वल टू 4 एंड मोबाइल इज इक्वल टू 6। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक घड़ी की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास तीनों आइटम्स की वैल्यू है। हम इन तीनों आइटम्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और हम अपने घड़ी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास घड़ी की भी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3। सो दिस इज एंड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ पे हमारे पास हमारे सारे आइटम्स की वैल्यू निकल आई। रेडियो इक्वल टू 2, टीवी इज इक्वल टू 6, स्मार्टफोन इक्वल टू 6, कैमरा इक्वल टू 4 एंड वॉच इक्वल टू 3। तो चलिए, आइए दोस्तों, हम अपने लास्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे लास्ट इक्वेशन में हम देखेंगे
हमारे पास जितने भी आइटम्स प्रेजेंट है उन सब की वैल्यूज हमारे पास है, हम उनको यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमारी फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे। सो कैमरा की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 4, रेडियो की वैल्यू हम रखेंगे 2, इस मोबाइल फोन की वैल्यू हम रखेंगे 6 और घड़ी की वैल्यू हम रखेंगे 3। दोस्तों इन इक्वेशन में हम देखेंगे हमारे पास कुछ भी हिडन एलिमेंट्स प्रेजेंट है क्या। सो जैसा कि मैं यहाँ देख रही हूँ हमारे पास कुछ भी हिडन एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि घड़ी में जो समय है वो भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। सो ये सीधे सीधे हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट की। अब हमें बोडमास के रूल को यूज करना है। बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी उसको इसके साथ ऐड करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसे इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2 × 6 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12, 4 + 12 - 3। अब हमें पहले एडिशन करना है। सो एडिशन करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 + 12 की 16, 16 - 3 करेंगे सो दैट विल बी आर फाइनल वैल्यू। सो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है 13। ये पजल भी होता है सॉल्व। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर सो मेनी पजल्स एंड रिडल्स। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय।